नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर भड़क उठे। उन्होंने पत्रकारों को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बताया। हुआ यूं कि सांसद निरहुआ केंद्रीय बजट की विशेषता बता रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने बढ़ती महंगाई को लेकर सांसद से सवाल किया, जिस पर उन्होंने पत्रकार को देश से बाहर विदेश जाने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि विदेश जाकर देखिए, कोविड के बाद पूरे विश्व में स्थितियाँ किस तरह से बिगड़ी हैं। पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों में महंगाई 60 गुना बढ़ी है। उसकी तुलना भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ भारत में महंगाई पर नियंत्रण किया, बल्कि फ्री में आम जनता को वैक्सीन लगाई। भारत की स्थिति बहुत नियंत्रण में है। सांसद निरहुआ यही नहीं रुके, पत्रकारों द्वारा आंकड़े के साथ महंगाई के बढ़ने के सवाल पर उन्होंने पत्रकारों को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बता दिया। इसके बाद पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया और कई पत्रकार प्रेस वार्ता छोड़कर जाने लगे। किसी तरह से पार्टी के नेताओं ने पत्रकारों को समझा बुझा कर प्रेस वार्ता को सम्पन्न कराया। 2014 में गैस सिलेंडर 1450 रुपए हो गया, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। मुझे लगता है जी आपको, मुझे लगता है कि आपको पहले हिंदुस्तान से एक बार बाहर निकलना चाहिए। हम हिंदुस्तान में नहीं बाहर जाइए तो आपको दुनिया से जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, देखेंगे नहीं कि हम कहाँ हैं और हमारा पड़ोसी कहाँ है, क्योंकि सबके ऊपर परिस्थितियां सेम है। जब कोरोना काल आया तो वो भारत में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, अमेरिका में भी आया, फ्रांस में भी आया, रूस में भी आया, जापान में भी आया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, उनकी सोच है कि आपको कोरोना से बचाया भी, दो दो आपको फ्री वैक्सीन भी लगाया और अपने भारत को लगातार मजबूत भी बनाया। और उसके अलावा आपको बताता हूं, आप कह रहे हैं ना कि भारत के बाहर क्यों जाएं, इसलिए जाइए क्योंकि मैं जाता हूं और मैं देखता हूं, जिस देश में तेल पैदा होता है, जिस देश में तेल के कुएं हैं, वहां कम से कम 60 गुना महंगाई बढ़ी है। आपके यहां तो डबल भी नहीं हुई है, क्या बात करेंगे आप। आइए आपको मैं दिखाता हूं सबसे सस्ता तेल है कहां पे जो मिल रहा है, कच्चा तेल, लेकिन उसके बाद हम 100 रुपए। मैं वही कह रहा हूं, तो एक बार आइए ना आप, एक बार चलिए जी। आपको हम लोगों ने चुना है, सबने चुना है जी सर। आप विदेश जा सकते हैं, यहाँ के जो मझोले और छोटे किसान हैं वो तो विदेश जा नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जो पूछ रहे हैं जा सकते हैं, नहीं ये मैं किसानों को नहीं बोल रहा, ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जा सकते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, किसानों को नहीं कह रहा जी। पार्टी का प्रतिनिधि लगता है तो फिर भाई आप लाना नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा जी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।